हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये देखिए, यहाँ आज मैं आपको ये सेलो का ये पेन दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि असल में कुछ लोगों को लॉन्ग वीडियोस अच्छी नहीं लगती है, जैसे 15 और 20 मिनट का, तो इसको 10 मिनट में निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वैसे मैं बताना चाहता हूँ, इसकी वीडियो मैं बहुत दिनों से लेना चाहता था। कम से कम 2 या 3 महीने पहले मैंने इसको ख़रीदा था और मैंने अभी तक, ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको खोला है, ये देखिए यहाँ पे मैंने काटा था, खोल के बस देखा था, फिर मुझे लगा पहले मुझे इसकी वीडियो लेनी चाहिए, है ना। तो बाकी मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी तो मुझे वो भी दिखाने का बड़ा मन था, तो इसलिए इसको थोड़ा दिखाने में लेट हो रहा है। तो आज मैं इसको फाइनली दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, ये सेलो का है, सेलो द जॉय ऑफ राइटिंग लिखा हुआ है। ये सिग्नेचर पेन है, मतलब नाम इसका सिग्नेचर है, ये सिर्फ सिग्नेचर के लिए नहीं है, है ना। और इसका जो पूरा नाम है, जो पूरा है इसका पेन का पूरा नाम है सिग्नेचर क्रेमे आइवोरी बॉल पेन, ठीक है। और द साइन ऑफ सक्सेस यहाँ लिखा हुआ है। पीछे देख लेते क्या है, सेलो सिग्नेचर क्रेमे आइवोरी बॉल पेन, ये आपको आराम से अमेजोन या कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। अमेजोन पे तो ये मिलता ही है, वैसे मैंने इसका अमेजोन से लिया नहीं है पर। और बाकी इनका ये मोटिवेशनल वो होता है, क्या कहते हैं इसको, कोट, तो पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। बाकी ट्विस्ट मेकानिज़म है, मेटलिक बॉडी है और स्मूथ राइटिंग है और ल्यूब्री फ्लो है। और बाकी ये बिग सेलो इंडिया पीवीटी एलटीडी, और बाकी इनका ये एड्रेस वगैरह, और बाकी ये कॉन्टैक्ट विद अस कस्टमर केयर ऑफिसर। अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, चाहिए हो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इनको। मेड इन इंडिया है, अच्छी बात है, मेड इन इंडिया है। ब्लू कलर का पेन है, कंटेंट है 1 एंड पेन, MRP 200 रुपये, देख सकते हैं 200 रुपये। और मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये पूरा मैंने 200 रुपये से इसको ख़रीदा है। मैन्युफैक्चरिंग है 10/2018। बाकी तो आप देख ही सकते क्या लिखा हुआ है, फॉर सेल इन इंडिया ओनली, ये सिर्फ इंडिया में बिकता है, ठीक है। अब पेन को खोल के देखते हैं, इसको हम लोग मैक्सिमम 10 मिनट्स में ख़त्म करने की आज कोशिश करते हैं। खुल जा, ये इसको ऐसे निकालते हैं, आपने पहली बार इतनी रफ अनबॉक्सिंग देखी होगी, है ना, ठीक है। ये है इसका बॉक्स, इसके अंदर ये बॉक्स है, ये ब्लैक कलर का पीछे से ऐसे दिखता है बॉक्स, और ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला वो लगा हुआ है ढक्कन इसका। तो इसको खोल के देखते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का प्यारा सा पेन देख सकते हैं आप, और ये रेड कलर का है, ये एक पेपर लगा होता है, ये देखिए ये निकल भी जाता है। आप इसको अगर कुछ क्राफ्ट व्राफ्ट में यूज़ करना तो वो भी कर सकते हैं, या यहाँ पर ही लगे रहना देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए अंदर का यहाँ पे एक डिज़ाइन है, वो अच्छा लग रहा है ना। चलिए पेन पे आते हैं अब, ये देखिए ये हमारा पेन है, ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ सेलो लिखा हुआ है, ये इसके ये पिन पे यहाँ सेलो लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी ये तो देख ही सकते हैं आप, ग्रे कलर का पेन है, हल्का हल्का, मतलब बहुत ही लाइट कलर का गोल्डन है, जो कि ये इसके कैप में मिल जाएगा, ये ऊपर इसका टिप है थोड़ा बहुत, और बाकी ये नीचे का थोड़ा बहुत हिस्सा और ईयरिंग। बाकी पूरा ग्रे कलर का पेन है, अच्छा लग रहा है वैसे। असल में इसका जो गोल्ड कलर है ना, बहुत शाइन कर रहा है, इसलिए थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। शाइनिश गोल्ड कह सकते हैं, वैसे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब देखते हैं पेन को, ये पेन को ऐसे घुमाया, ट्विस्ट मेकानिज़म जैसे लिखा भी हुआ था उसके पीछे मैंने दिखाया है, ये देखिए ट्विस्ट मेकानिज़म है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा आपको एक चीज़ दिखा, आपने शायद ध्यान नहीं दी होगी, इसके निप को देखिएगा, जैसे मैं घुमाता हूँ
ये ऐसे बाहर आई, बाहर आके हल्का सा अंदर गई। आपको समझ में आया? ये देखिए, ये बाहर आई, बाहर आके फिर अंदर। ये कुछ वो ऑटोमेटिक टाइप सिस्टम नहीं लगता आपको? अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, है ना? कोई नहीं, ये देख लेते हैं। अब इसकी रिफिल को भी देख लेते हैं, अंदर क्या है, कहाँ से खुलता है पता नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ से खुलता है। अच्छा, ऐसे खुलता है, इसको ऐसे खींचना पड़ता है, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये खींचने पर आता है। तो बाकी ये ट्विस्ट मैकेनिज्म है, ये इसकी रिफिल है। हल्का हल्का ग्लू सा ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं, निकलता है दोस्तों, लगता है ये निकलता नहीं है, फिक्स्ड है। ऐसे करके देख लेते हैं, नीचे का कुछ खुलता है, नहीं खुलता दोस्तों, कुछ खुलने वाला इसमें है नहीं। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट सा, ये जो वाइट सा यहाँ पे लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा वन टाइम यूज वाला पेन है, मुझे जितना लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो सिग्नेचर लिखा हुआ है ना, ये सच में ये सिग्नेचर करने लायक ही पेन है, क्योंकि इसमें रिफिल नहीं होती है, ये रिफिलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं ये वाइट जो है, इसको इसने चिपका रखा है इसमें, ठीक है। यहाँ भी हल्का हल्का ग्लू है, मुझे मेरे ख्याल से इसको निकालना नहीं चाहिए था। हाँ, ये देखें, चलिए काम तो कर रहा है। तो इसकी भी ऐसे दिखने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर एक डिसएडवांटेज अभी तक जो हम लोग की वीडियो में आ गई, मतलब पेन में आ गई, मेरी वीडियो में नहीं आई, है ना, वो ये है कि ये नॉन रिफिलेबल है मेरे ख्याल से। पर अगर आप लोगों के पास ये पेन हो पहले से, और अगर आपको पता हो कि इसको रिफिल कैसे करते हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लिख के दिखा देता हूँ, अपनी नोटबुक ले आता हूँ, ये आ गई नोटबुक, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, असल में दिखाना नहीं चाहता हूँ अंदर का क्या है। हाँ, तो आ जाते हैं, लिख के दिखाते हैं, ये हमारा पेन खुला। तो मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखा दूँ, वही ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और बाकी ऐसे सिग्नेचर लिख देते हैं इस पे, ठीक है, वो भी अच्छा है। आपको नहीं दिख रहा तो ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए, सिग्नेचर, ये देखिए, दिख रहा है ना सिग्नेचर। और डिजाइन बना के देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए कितना स्मूथ पेन है, पूरा स्मूथ है, अच्छा खासा डार्क कलर है, मुझे तो अच्छा लगा पेन। अब देख सकते हैं पूरा, कहीं भी इसमें कोई ब्लैंक या कुछ नहीं छूटा हुआ है, बिल्कुल स्मूथ एकदम गया पेन, देख सकते हैं, मुझे भी अच्छा खासा लिखने में लगा। तो 200 रुपये में अच्छा पेन है, पर एक डिसएडवांटेज है कि इसको रिफिल नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मुझे तो कुछ दिखा नहीं कि रिफिल बाहर आ गई या कुछ, तो ये तो मेरे ख्याल से एक डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। तो बाकी अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाहूँगा कि मैंने अभी एक ट्राईपॉड स्टैंड खरीदा है, तो ये मेरे पास कल या परसों ही आया है, तो मैं इसका वीडियो ले रहा हूँ। कल या परसों मतलब जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसका कल या परसों, यानी कि 18 अक्टूबर, हाँ 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को मेरे पास ये आया है, और 19 अक्टूबर को ये वीडियो बन रही है, ठीक है। हो सकता है इसको अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। और तो ये देखिए, इसका बॉक्स है मेरे पास, ये बॉक्स पड़ा है अमेज़ॉन का, ठीक है, मैं एड्रेस वगैरह आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और बाकी ये देखिए, अमेज़ॉन का बॉक्स है, और इसके अंदर ये ट्राईपॉड स्टैंड का बॉक्स है, ठीक है। तो अगर आपको ये, इसका नाम है टाइगॉट
टाइगर ट्राइपॉड स्टैंड, आप अमेजोन पे ये टाइप करके देख सकते हैं, 360 रुपये का है। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को ख़त्म तो कर दिया था, पर अभी अभी मुझे पता चला है कि इसके रिफ़िल को रिफ़िलेबल मतलब रिफ़िल कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसे निकला, इसको ऐसे खींचना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद ये ऐसे थोड़ा सा टाइट, हाँ इसको बाहर करा। अब इसके बाद ये ऐसे यहाँ पे घूम जाता है, ये देखिए मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ये ऐसे घूम जाता है, ये ऐसे ऐसे करके ये आपका ये रिफ़िल निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू फिटिंग्स के लिए वो बना हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है। ये देखिए इतनी पतली सी रिफ़िल है, ये देखिए इतनी पतली रिफ़िल है, आप देख सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा 1018SV7033D। तो ये इसका रिफ़िल नंबर है, आप इसको ख़रीद सकते हैं इसको देख के। थैंक यू, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने के लिए सॉरी, थैंक यू।